नमस्कार दोस्तों, सहारा मल्टीमीडिया के इस भक्ति चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सीता की महिमा और उनके प्रताप के बारे में। एक बार अयोध्या के राजभवन में भोजन परोसा जा रहा था। माता कौशल्या बड़े प्रेम से भोजन खिला रही थी। माता सीता ने भी सबको खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला ही था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपने अपने पतलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सबको देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी के खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया था। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। परंतु राजा दशरथ जी माता सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माता सीता जी को उन्होंने बुलवाया। फिर उन्होंने सीता माता से कहा कि पुत्री, मैंने आज भोजन के समय तुम्हारा चमत्कार देख लिया है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना कभी। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृण धर ओट कहत वह दही, सुमेरी अवध पति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती रावण को उसी जगह पर उसी क्षण राख कर देती। लेकिन राजा दशरथ को दिए हुए अपने वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। जय श्री राम, जय सीताराम।